हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फूड टॉक। सो वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो और आज की वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं क्लासिको का बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले एफसी बार्सिलोना इन कपल ऑफ डेज। और इस चैनल में मेरे ख्याल से आपको काफी टाइम के बाद से एम्बापे से हटके कुछ देखने को मिल रहा है। वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना एंड टेक्सास। और क्लासिको जो होते हैं वो हमेशा स्पेशल होते हैं, चाहे वो फ्रेंडली हो या कोई एक कॉम्पिटिटिव गेम हो, तो हमेशा स्पेशल गेम्स होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बार्सिलोना ने भी अपना गेम खेल लिया है आर्सेनल के अगेंस्ट और हमने दो मैचेस खेले हैं। बार्सिलोना ने अभी तक एक मैच खेला है विच दे लॉस्ट 5-3 अगेंस्ट आर्सेनल और हमने दो गेम खेले हुए हैं। हमने एसी मिलान को 3-2 से हराया है और यूनाइटेड के अगेंस्ट 1-0 की हमने विक्ट्री ली है। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं लाइनअप को लेके कि क्या लाइनअप होनी चाहिए रियल मैड्रिड की और ऑफ कोर्स बार्सिलोना की क्या लाइनअप थी और आगे क्या लाइनअप होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग 11 मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग 11 था। लुलेन ऑन बॉल थे, सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला। अगर आप उनके एसी मिलान वाले गेम से कंपैरिजन करें तो उनकी शॉर्ट स्टॉपिंग भी अच्छी थी और वो अच्छी तरीके से आगे निकल के भी आ रहे थे। तो ओवरऑल ही वॉज गुड। आई थिंक उन्होंने ही वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि मैन ऑफ द मैच कैटेगरी में थे मेरे लिए। अब अगर आप अपनी राइट बैक पोजिशन पे देखें तो डेनी कारवाल के अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। आपके पास वर्स्ट चॉइस है वो लुकस वास्केस, बट आपके पास बेस्ट पॉसिबल चॉइस नहीं है। तो डेनी कारवाल ऑब्वियस चॉइस थे, बट आई एम जनरली इम्प्रेस्ड विद रूडिगर एलाबा। दोनों का जो सेंटर बैक प्लेयर था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। रूडिगर के बॉल पोजिशन काफ़ी अच्छे थे, उनकी डिफेंडिंग काफ़ी अच्छी थी। आई एम जनरली इम्प्रेस्ड, बट आई स्पेशली वॉन्ट टू टॉक अबाउट फरहान गार्सिया। जिस तरीके से उस बंदे ने परफॉर्मेंसेज दी हैं और मैं उसको काफ़ी टाइम से राय वाले कानों में भी फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे पता था कि वो जिस तरीके का प्लेयर है वो सबको इम्प्रेस ही करेगा। ऑब्वियसली मैंडी से एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अगर आप लुकस वास्केस और मैंडी दोनों को देखें तो उन दोनों से बहुत बड़ा आपके पास अपग्रेड है कि आपके पास फरहान गार्सिया और डेनी कारवाल। ठीक है, डेनी कारवाल हम कह सकते हैं कि उस लेवल पे नहीं है 2017 या 2018 पे थे, बट स्टिल इज बेटर देन लुकस वास्केस क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, ये हो सकता था कि विनिशियस टोबियस को चांस दे सकती थी कार्लो एंजेलोटी, एटलीस्ट दे आर फ्रेंडली गेम्स, तो आपको चेक कर लेना चाहिए था, चाहे वो आप पिछले सीजन की बात करो या आपकी सीजन की बात करो। बट आई एम जनरली इम्प्रेस्ड विद फरहान गार्सिया, जिस तरीके से वो ओवरलैपिंग रन्स ले रहा था और जिस तरीके से विनिशियस को सपोर्ट कर रहा था। और मिडफील्ड की अगर बात करें तो मिडफील्ड में आपके पास चौमेनी, कमाविंगा और लुका मॉड्रिच थे। तो अगर मैं चौमेनी की बात करूं तो आप सबको पता ही होगा कि मैं कितना उसका बड़ा फैन हूं और मुझे लगता है कि उसको हर गेम स्टार्ट करवाना चाहिए था। मैन सिटी के अगेंस्ट चौमेनी को ना खिलाना वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक कार्लो एंजेलोटी मेड। और चौमेनी कैसे ऐसे प्लेयर है जो कि आपकी टीम को बेटर करते हैं, वो एज ए CDM भी खेलते हैं, बिट मिक्स ऑफ मॉड्रिच एंड क्रूस टू, जिस तरीके से वो पासिस करते हैं। कमाविंगा वो सुपर, बट जूट बेलिंगम मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेहतरीन खेले और आपका आगे विनिशियस और रोड्रिगो। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँ तो आई थिंक ओवरऑल टीम बहुत ज़बरदस्त है, बट आई रियली वॉन्ट टू सी जोसे लु प्ले विथ फरहान गार्सिया। अब अगर आप दोनों गेम देखें तो दोनों गेम में जोसे लु जब खेले थे तब उनके साथ या तो मैंडी थे या लुकस वास्केस थे दोनों गेम्स में। आप जोसे लु को ट्राई कर सकते हो फरहान गार्सिया के साथ क्योंकि फरहान गार्सिया ही लव्स टू क्रॉस और जोसे लु एक ऐसे टाइप के स्ट्राइकर है जो कि चाहते हैं कि उनके पास डिलीवरीज आए और जितनी आप उनको डिलीवरीज दोगे, जितनी आप उनको मौके दोगे, आपके उतने चांसेस बढ़े। अब अगर पहले गेम के बाद से, एसी मिलान वाले गेम के बाद से जब जोसे लु फर्स्ट हाफ में सब्स्टिट्यूट हुए थे तो बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इज नॉट अ रियल मटेरियल। ऑफकोर्स देखें अगर आप जोसे लु को देखें तो जोसे लु एंड करीम बेंजिमा दोनों डिफरेंट टाइप के स्ट्राइकर्स हैं। ऑब्वियसली हमें आदत होगी है करीम बेंजिमा के तरह के एक स्ट्राइकर को देखने की क्योंकि बेंजिमा जो थे वो आगे आते थे, लिंकअप करते थे, 1-2 करते थे प्लेयर के साथ और फिर जाके गोल भी मारते थे। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि जोसे लु जो है वो कम्प्लीट डिफरेंट स्ट्राइकर है, वो उनको डिलीवरीज बॉक्स में मिलेंगी तो वो स्कोर करेंगे। अब आप उनको मैंडी और लुकस वास्केस दे रहे हो
जो दोनों ऑफल है क्रॉसिंग में, तो वो किस तरीके से स्कोर करेगा? आपने अगर जोसेलियो को वाकई तौर पे टेस्ट करना है तो आपने उसके साथ वरन गार्सिया को एक गेम खिला के जरूर देखनी है किस तरीके से खेलते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि जोसेलियो को आप लालीगा के फर्स्ट गेम में स्टार्ट करवा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप लोगों को पता है कि लालीगा में लो ब्लॉक्स होती है, तो जब लो ब्लॉक्स में अगर हमें गोल मारना होगा तब जोसेलियो काम आ सकता है। अगर आप उस प्लान के साथ उस प्लान को अभी लेके चले तो बेहतर हो। तो बार्सिलोना की अगर आप लाइनअप देखें तो फ्रंट थ्री में आप दे लेवनडॉस्की और उसके अलावा रफीनिया थे, मिडफील्ड में पेड्री, गुंडवान और ये रोमेयो थे। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि रोमेयो इज नॉट बार्सिलोना मटेरियल, तो मेरे ख्याल से एक गेम से आप सब किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो किस तरीके की प्लेयर है किस तरीके की नहीं है। लेकिन तो ओवरऑल इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली। लेकिन अगर आप इंग्लिश टीम्स की बात करें तो इंग्लिश टीम्स तो ऐसा खेल रही है जैसे वो चैंपियंस लीग के फाइनल में खेल रही है, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लें, चाहे वो आर्सेनल को भी देख लें। अगर आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम को भी फॉलो किया हो कि जिस तरीके से लिसैंड्रो मार्टिनेज़ ने टैकल किया था जूड बेलिंगम पे और जिस तरीके से बेलिंगम ने रिएक्ट किया था, इट वॉज कम्प्लीटली जस्टिफाइड मैन। इट इज जस्ट अ फ्रेंडली मैन, कम ऑन चिल। प्री सीजन का गेम है, अभी तो बहुत लंबा जाना है, तो चिल कर। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ गेम और देखना होगा कि किस तरीके से दोनों टीम्स खेलती हैं। बिकॉज अगर आप रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बात करें तो क्लासिको कभी भी फ्रेंडली नहीं होता। तो ये बात हमें पिछले साल भी हमने देखी थी जब क्लासिको हुआ था यूएसए में और विनीशियस ने जब एक दो प्लेयर्स को ड्रिबल किया था उसके बाद विनीशियस फाउल हो गए थे। तो क्लासिको कभी फ्रेंडली नहीं होता, तो देखने में मजा आएगा। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि बार्सा रियल मैड्रिड की क्या लाइनअप्स होनी चाहिए, किस तरीके से उन दोनों टीम्स को खेलना चाहिए और आपके भगवान कौन फेवरेट है गोइंग इनटू द गेम? सो लेट मी नो योर थॉट्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।